सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन करते हुए कहा कि ये महाराज परिचित, सूर्य वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, जैसे राजा विश्वामित्र, बाद में महामुनि बन गए। उनके वंश में ही योगी राजा हरिश्चंद्र बने, राजा रैक, फिर कन्नमुनि, बड़े बड़े राजा राजर्षि और महर्षि हुए। ऐसे रघु वंश हुआ, महाराज रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, और दशरथ के पुत्र हो करके भगवान श्री रामचंद्र दिया, जो कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चार पुत्र हो करके आए जो कि भगवान विष्णु ही स्वयं राम रूप परावस्त होता रहे। वही अंश में ही चार भाई बन करके आए, उन्होंने अद्भुत लीलाएं की, भगवान श्री राम की लीला को, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला है, उन्होंने मर्यादा की स्थापना की, आदर्श को संसार में प्रस्तुत किया। वह आदर्श जो कि भगवान श्री राम ने पिता माता के प्रति दिखाया, उन्होंने सीता जी को वरण किया और घर में लाए। महाराज दशरथ ने जबकि युवराज पद पर अभिषेक करना चाहा, उसमें कैकेयी ने उनसे वर मांग लिया, जो कि पहला शर्त था, दो वरदान देने की बात थी। जब कैकेयी ने देवताओं की इच्छा से प्रेरित होकर कहा कि भरत को राज्य मिले, भरत राजा और श्री राम को 14 वर्ष वनवास में जाना पड़ेगा, दशरथ महाराज को स्वीकार नहीं था, फिर भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जब श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि ये बात है, सहर्ष उन्होंने वनवास स्वीकार किया और वन में जाने को तैयार। सीता जी बोली, मैं भी साथ में जाऊंगी, मैं रहूंगी। लक्ष्मण भैया बोले, मैं साथ में जाऊंगा, कोई बात सुन रही नहीं। तो तीनों को, राम लक्ष्मण सीता, तीन जने वनवास में जाने लगे। जिस समय कैकेयी वनवास के वेशभूषा देने लगे, बलकल वस्त्र, तो उस समय राम और लक्ष्मण को दिया, तो सीता जी को भी देने लगी, तो उस समय विश्वामित्र जी ने और वशिष्ठ को भी वहां पर, उन्होंने मना किया, बोले ऐसे हो ही नहीं सकता, सीता जी के लिए कोई वनवास नहीं है, उस इच्छा से जा रही है, पति के साथ में जाना चाहती है, जाना चाहती, तो उनको भी ऐसे ही जाने दिया। जबकि वनवास में जा रहे हैं, पहली रात्रि को गोहक चंडाल से मित्रता हुई, वहीं पर मिले, रात्रि निवास किया, सारी जनताएं
विकल होकर चल रही थी, रो रही थी। उस समय रात्रि काल में ही गुहक से कहा कि मुझे नाव पार कराना पड़ेगा। नाव वाले को बुलाया, जबकि नदी किनारे आए, नाव में बैठे। नाव वाले बोले कि नहीं, हमें ऐसे पार नहीं कराएंगे। बोले क्यों? बोले कि पहले आपका चरण धोएंगे, आपके चरणों के धूल में बड़ा प्रभाव है। एक पत्थर जो कि नारी मूर्ति में नारी बन गई, तो इसलिए आपके चरण का कोई जादू नहीं। चरण धो कर गई तब आपको बैठाएंगे। तो बोले अच्छा, चरण धोए, धो करके चरण में पी लिया, नाव में बैठा है पार कराने के लिए। रात्रि काल में पार हो करके जा रहे हैं, जा रहे हैं इलाहाबाद भरद्वाज आश्रम तक। वहां तक पहुंचे, गंगा पार करा दिया, जबकि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को इशारा किया, तो उस समय नाव भी सोने का बन गया। नाव वाला रोने लगे, बोले प्रभु आप ये क्या किया? ऐसा मत किया, केवल सीखा क्या चाहते हो? बोले कि आज जैसे हमने आपको पार पाया, वैसे तब भी लोग भरद्वाज आश्रम में पहुंचे, उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। वहां से वो करके राम लक्ष्मण सीता तीनों चित्रकूट गए, वहीं पर रहने लगे। जबकि भरत और शत्रुघ्न दोनों नैनीहाल से लौटे। सारी अवधपुरी को सुन्न सा देखा, सभी लोग मुंह फेर करके जा रहे हैं, कोई खुशहाली नहीं। क्या बात है? जब घर में आए तब उनको पता चला है कि ये परिस्थिति है। महाराज दशरथ ने एक बार हा राम कहा, उसी से उनका प्राण चला गया। स्थिति को संभालने लगे, कोई के बात में बड़े नाराज, कहा कि आज से कभी मैं तुम्हें मां नहीं हूं। राम को विदा कर दिया, बड़े जोर के बीच में
शत्रुघ्न ने जबकि कुबड़ी कुबड़ी का नाम क्या था मंथरा मंथरा को मारने के लिए चले भरत ने शत्रुघ्न को रोका महिलाओं पर कोई हाथ नहीं लगाना जो कुछ हो गया उसको कुछ कहना बड़ा मुश्किल शांति बनाए फिर पिताजी का सत्कार किया सबसे मंत्रणा की हम बड़े भैया राम को लौटाने चले तब सभी लोग चले सभी माताएं चले बड़े भारी भरकम रूप में सभी लोग चित्रकूट पहुंचे तो उत्सव आया भरत मिलाप हुआ श्री राम ने भरत से मिला लक्ष्मण शत्रुघ्न दोनों मिले आज भी 1,75,00,000 वर्ष पहले की बात है परंतु वहां पर कामोदगिरी पर्वत है और पासी में भरत मिलाप का स्थान है बड़ा ही सुंदर रमणीय स्थान जिस चट्टान पत्थर के ऊपर में खड़े थे भाई लोग मिले थे पत्थर पिघल करके आज भी चरण चिन्ह विद्यमान है वहां के पत्थर को देखा जाए बड़ा सा चट्टान सुई के बराबर नोकीले हो गए देखने को मिलता है तो भरत मिलाप का स्थान है बड़े प्रेम पूर्वक वे लोग मिले उसके पश्चात सबकी वार्ताएं हुई पर उस दिन श्री राम जी ने पिता के लिए तर्पण किया सीता देवी ने भी जल तर्पण इत्यादि किया दूसरे दिन जनक महाराज वहां पहुंचे जब वे आ गए सबने उनको निर्णय किया करने को कहा कि आप ही सभापति बनकर के निर्णय दें और श्री राम को लौटने का आदेश दें और सीता जी के पिता ससुर श्री रामचंद्र जी के ससुर हैं तो अब राजवंश की स्थिति को संभालना पड़ेगा जनक महाराज वहां आए सबका निवेदन सबकी बातें सुनी बोले हम कल सुबह निर्णय करेंगे जजमेंट देंगे शिव जी जैसे ही आदेश देंगे वैसे मैं कहूंगा तो दूसरे दिन सभा लगी सभा में सभी ने अपनी अपनी बातें सुनाई कहा उन्होंने सुना सुनने के पश्चात बोले कि भरत तुम्हारा प्रेम अगाध समुद्र जैसा है और उस प्रेम के सामने श्री राम की मर्यादा जो है एक पर्वत जैसा है तो एक पर्वत समुद्र में समा जाता है
तुम्हारे प्रेम के समुद्र में श्री राम की मर्यादा समा गई। अतः तुम्हारे प्रेम का ही विजय है। तो यह सुन करके सभी लोग बड़े खुश हुए और जजमेंट दे रहे हैं। महाराज जनक सभी में हाथ ताली बज पड़ गई। सभी लोग बड़े खुश हुए कि अब श्री रामचंद्र को अयोध्या लौटना होगा। सभी लोग इसी चाह में थे, परंतु बाद में उन्होंने घुमाया। पहला जजमेंट तो यही हुआ, दूसरा जजमेंट में जनक महाराज बोले, देखो भरत, प्रेम कभी अपना सुख नहीं चाहता, अपना दृष्टिकोण कभी नहीं देखता। प्रेम सर्वदा प्रेमास्पद को देखता है, उसका प्रतिविधान, उसी की खुशहाली। कैसे हो वही प्रेम होता है, अपना सुख नहीं चाहता। इसलिए तुम्हारे बड़े भैया श्री राम और तुम्हारा उनके प्रति अगाध प्रेम महान समुद्र जैसा, ये बात सत्य है। अब तुम्हें यह देखना है कि श्री रामचंद्र जी क्या चाहते हैं। वो जैसा चाहें वैसा करना ही तुम्हारा प्रेम, यही प्रेम धर्म कहलाता है। अब तुम देखो तुम्हारी बड़ी भैया क्या चाहते हैं। तब भरत खड़े हो गए, बोले कि महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कभी श्री रामचंद्र के विषय में सुना है, समझाई, अपनी तरफ देखता रहा और अपनी बात पर ध्यान रखा, अपनी जिद्दी पर बना रहा। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। उस समय भरत श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े, बोले कि बड़े भैया, आप जो बताएंगे वही करूंगा, आपकी जो इच्छा वही होगा, आप बताएं। तब श्री रामचंद्र जी ने भरत को गले लगाया, बोले भैया, तुम यह जानते हो कि 14 वर्ष मैंने वनवास को स्वीकार किया, यह केवल किसी जिद्दीपन में नहीं, हर धर्मिता में नहीं। तुम जानते हो कि इसी बहाने राक्षस वंश का ध्वंस करना है। राक्षस वंश ध्वंस करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। हम 4 जने आए, यदि मैं वन में नहीं रहूं तो राक्षसों का विनाश करना संभव नहीं। सारा निमित्त कारण, सारा कारण, कार्य कारण बना करके हम आए, इसलिए इसमें तुम रोक मत लगाओ। मुझे वन में रह करके ही राक्षस वंश ध्वंस करना होगा, तब तक तुम मेरे प्रतिनिधि बन करके अयोध्या को संभालो और 14 वर्ष पूरा होते ही मैं लौट के आऊंगा। निश्चित रूप में मैं राजभार संभालूंगा। उस समय भरत ने कहा, भैया, मैं 14 वर्ष की ही प्रतीक्षा करूंगा,
एक दिन भी विलंब होगा तो मैं शरीर छोड़ दूंगा, आपको आना होगा। उन्होंने कहा निश्चित रूप में आऊंगा, चिंता मत करो। और मैं वचन दे रहा हूं, मैं इस कार्यभार को संभालूंगा, तब तक तुम मेरे प्रतिनिधि बन करके अयोध्या को संभालते रहो। तो ऐसे ही हुआ, श्री राम ने पादुका दी, भरत ने उसी पादुका को ले करके गए नदी गांव में रह करके उसकी पूजा करते हुए आदेश निर्देश का पालन करते रहे। वैसे संभाल इधर श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण को ले करके पंचवटी में गए, नासिक के पास, वहीं पर रहे। वहीं पर सुपर्णखा बड़ी सुंदर वेश बना करके आई, तो हास परिहास के कारण, जबकि श्री राम ने लक्ष्मण के पास भेजा, लक्ष्मण राम के पास, ऐसे करते हुए श्री राम ने कहा भैया राक्षसी के साथ अधिक देर हंसी मजाक नहीं करना है, प्रतिकार करो। तलवार लिया, साथ ही साथ नाक कान कटवा दिया। बोले क्यों? रावण से बैर ठहराने के लिए, ये बैरता नहीं हो तब तक काम नहीं बनेगा, लड़ाई शुरू नहीं होगी, एक शत्रुता तो करानी पड़ेगी। जब ऐसे ही सुर्पनखा गई, भैया रावण से कहा कि ऐसी स्थिति बनी, ये बोला देखो मुझे ऐसे कर दिया, और उसके पास बड़ी सुंदरी स्त्री है, संसार की लक्ष्मी है। तो रावण का मन मुक्त हो गया कि सीता को हरण करें, इसलिए साधु वेश बना करके आया और उसी बहाने सीता का हरण किया, लेकर के चले अशोक वाटिका में। आज भी अशोक वाटिका का पानी आता है मेरे पास, कोई लाए, एक महिला ने मुझको दिया नौ दिन। बोले कि अशोक वाटिका का दिया जहाँ सीता जी रही थी, तो वहां का पानी दिया था एक डिब्बा। तो अशोक वाटिका में रही, उस समय राम लक्ष्मण सीता के वियोग में विच्छेद में हासिति करते भी चले, दंडकारण्य में गए, ऋषियों पर अनुग्रह किया, फिर आगे बढ़े, किष्किंधा पहुंचे, हनुमान से पहले मित्रता, उससे आगे अपना सेवक बनाया, फिर मित्रता सुग्रीव से की, और बानर की सेना सहायता से उन सेनाओं को लेकर के लंका पर विजय, जो कि लंका पार जाने के लिए समुद्र पार होकर लंका जाने के लिए उन्होंने सेतु बंद किया, जो बानरी सेनाओं की सहायता से पत्थर डाल डाल करके सेतु बना दिया। आज भी राम सेतु, जिसके लिए इतना विवाद चल रहा है कि लंका श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो सेतु है, इस वजह से कोई जहाज पार्स नहीं हो पाता है, श्रीलंका से बाहर होकर के घूम के आना पड़ता है। सरकार तमिलनाडु सरकार तो बहुत प्रयास किए, कम से कम ये कनाल बना दें जिससे कि जहाज पार्स हो जाए, परंतु सबने मना किया, क्योंकि वहां के जो पत्थर हैं आज भी तैरते हैं, उन पत्थरों को देखा गया जो पानी में डूबता ही नहीं है,
कितना वजनदार पत्थर पानी में छोड़ दिया गया है, तो दिखाया कोई भी पत्थर डूबता नहीं है। योगी सेतुबंध भागवत में भी लिखा गया है, सेतुबंध रामेश्वर, जो भगवान की ये अनमोल कीर्ति और ऐसी कीर्ति है जो सेतुबंध आज भी देखने को मिलता है। समुद्र में बना हुआ है ब्रिज। तो श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की, भारी भयानक युद्ध हुआ जिसमें लंका पर हुआ, राम रावण की लड़ाई हुई, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, बड़े बड़े राक्षस वीर सबको धराशायी करते, और श्री भगवान ने राम ने लंका विजय किया, सीता का उद्धार किया, उनको लेकर के अयोध्या लौटे। बड़ा समारोह हुआ, उसके साथ बड़ी खुशहालियां मिली, परंतु जन समाज में एक चर्चा है सीता जी को लेकर के, जो राक्षस कुल में रावण के घर रही और ऐसी सीता को ला करके राज सिंहासन में बैठा दिया, वो राजमाता बन गई। उन्होंने छदों भेज करके देखा, वास्तविक सीता के प्रति एक भावनाओं को भगवान श्री राम विवश हो गए, परंतु उनको पता नहीं कि ये राम कौन है, अब कभी पता ही नहीं चला कि बंदे ऐसे गए राम दरबार में। लव कुश दोनों रामायण का गान अब घो करके रोते रहे, अपने हृदयंगम उसका आज और सोने की मूर्ति बना करके यज्ञ कर रहे हैं। संताओं के सामने जब जो कि सबकी भावना, तब सीता जी बोली लव कुश को सबको पाठ विभाग कर दिया साथ, जबकि काल पुरुष आए द्वार पर खड़े, मैं नहीं आऊं तो अयोध्या करना अभी नाश करते थे। तो मैंने देखा जल करके उनके क्रोध से स्नान करके स्वशरी नित्य धाम में जो कि
सबसे ऊपर। सभी लोग जय रथ